इस कॉमिक्स की तारीफ़ मैं पहले भी कर चुका हूँ, नागपुर लोक, जो भी मैंने दो इसकी सीरीज बनाई है, तारीफ़ के काबिल बनी है ये कॉमिक्स हर मामले में, चाहे वो चित्र बनाने का मामला हो, चाहे स्टोरी लिखने का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। तो इस स्टोरी में मैंने बताया है आपको कि तौसी जो है कि शुरुआत होती है इस स्टोरी की, तौसी जो है वो समुद्र के किनारे बैठ कर के अपनी अप्सरा के साथ, ये कुछ इमेजेस रहे जो इस कॉमिक्स आउटलुक को शो करते हैं। इस बार फिगर बहुत ही शानदार बन पड़े हैं, लगा है कि राज कॉमिक्स वालों ने थोड़ी सी मेहनत की है इस पर। इच्छाधारी सर्पों की फाइटिंग भी अच्छी से इसी सीन में दिखाई गई है। ठहरो, कौन हो तुम? मैं सर्प देश का राजा, तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। तेरे रुकने का आदेश और तू दोनों मेरे हुक्म की दुम की नोक पर, सड़ाक। यह तो इच्छाधारी है, परंतु यह कोई प्राकृतिक इच्छाधारी नहीं हो सकता। इसकी शक्तियाँ अवस्थी विज्ञान द्वारा परिष्कृत की गई हैं। ये तौसी इसे पहली बार में हाथ काट देता है, मगर ये पुनः जीवित हो जाता है। ये और तौसी फिर भी तौसी है, वो थोड़ा सा राज कॉमिक्स वाला ने इनजस्टिस किया है तौसी के साथ, कुछ कमज़ोर दिखाया है। और ये तौसी ने अष्टभुज की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो इसका एक खास पावरफुल कैरेक्टर है। इच्छाधारी तौसी फिर भी एक इच्छाधारी है। संसार के मात्र 1% इच्छाधारियों में यह शक्ति होती है कि उन्हें इच्छाधारी रूप में नहीं मारा जा सकता है, वे सिर्फ अपने वास्तविक रूप में ही मर सकते हैं। इस तथ्य की पुष्टि का एक ही तरीका है कि इसके अजगर वाले रूप में मुझे इसे लाना होगा। सर्प देश के राजा, कैसे तुम दुम दबा के भाग रहे हो? चीते के बजाय कुत्ता बनकर भागता तो तू ज़्यादा मजा आता। तुझे कुत्ते जैसा ही भगाऊंगा और फिर कुत्ते की ही मौत मारूंगा। संसार में कई बाजियां जीती इसलिए सिर्फ हारी गईं क्योंकि जिस पक्ष का बल्ला भारी है उसने जीत से पूर्व ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे वो हर्षल गिब्स का वो कैच जो उसने वर्ल्ड कप में छोड़ा था, अत्यधिक जोश में उन्होंने उछाल दिया था। पाइथन के विकराल जबड़े तौसी को यकीनन अपना ग्रास बना लेते यदि वह तौसी न होता तो, किंतु अगले क्षण में चीता और कब पक्षी में और पक्षी तौसी में परिवर्तित हुआ यह पाइथन न समझ पाया। कड़क जीवन के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुई समझदारी कभी किसी के काम नहीं आती। अच्छा, मेरा सोचना सही था, इस बार यह मरकर जीवित नहीं हो रहा है। रात घिर रही है, मुझे वापस अप्सरा के पास लौटना चाहिए। तौसी परीक्षा में कामयाब रहा और हम भी, हम किस में कामयाब रहे? चिड़ी को फुर्र करने में, और भिक्का खुद ब खुद गुलाम बन जाएगा। इसे पाइथन से उलझाकर इसकी नागिन उठा ली, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। शैतान भी सुबह सुबह तुम्हारे नाम के पुल्ले करता होगा। छल, मेरे साथ छल हुआ है। शत्रु ने मुझे इच्छाधारी रूप में उलझा कर मेरी अप्सरा का हरण कर लिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसी मृत्यु दूंगा कि इसकी आत्मा लेने आई यमराज को भी उसका हासर देखकर सिहर जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। और ये इधर डिस्कोथेक में नागराज का सीन दिखाता है, जहाँ पर उसका फाइटर एक फाइट एक सनकी फाइटर से होता है। ये जो इसके साथ जो एक मॉडल रहती है वो अपने लिए एक बोतल या एक ग्लास शैम्पेन बियर की डिमांड करती है,
जबकि नागराज दूध, एक गिलास दूध, बड़ा फनी सीन है, फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन पड़ा है। इसलिए कि इधर नागराज के ख्यालों में वो तौसी का वो जिक्र आता है, और तभी उस समय गिद्ध के रूप में वो क्या बोलते हैं, वो जो गिद्धराज तौसी के कॉमिक्स का एक शक्तिशाली और पावरफुल कैरेक्टर आ जाता है, और जो ये पत्थर ध्वज शायद रहता है ये, उसको बचा करके ले जाता है। सरप्रस्सी की पहुँच से दूर निकल गया है, रहस्य की गुत्थी सुलझाने के बजाय और उलझ गई। ओह, तो तुम यहाँ रखते हो अपने साहब, सच में तुम विलक्षण हो नागराज। रहस्य के सभी सूत्रधार नज़रों से ओझल हो चुके थे, वो अपारेट शिप भी ओझल हो गया जो तुम्हारे पीछे आ रहा था। शायद उन्हें एहसास हो गया कि तुमसे पार नहीं पा सकते नागराज। उलझते उलझन सुलझाने का एकमात्र रास्ता जो महानगर की तरफ जाता था, और युवा रास्ता इस बदनाम कैसीनो में होने वाली अवैध फ्री स्टाइल कुश्ती के कुख्यात फाइटर स्नेति तक ले आया है। इसका स्नेक हैंड हाई स्टाइल अच्छा है, लेकिन मिस्टर मासो इसे काफ़ी शक्तिशाली और स्किल्ड है, लेकिन देखना जीतेगा स्नेकी ही। ग्रेस की बात सही साबित हुई, ये अचानक बाजी कैसे पलट गई, माचो जीती हुई लड़ाई कैसे हारने लगा, और मैच की विनर है स्नेकी, स्नेकी, स्नेकी। माचो साइज और ताकत में स्नेकी से दुगना था, फिर भी उसके हेडलॉक को तोड़ ना पाया आश्चर्य। जल्द ही रेफरी ने इनाम की घोषणा की, अगली घोषणा की, और स्नेकी जो है नागराज को चैलेंज कर देता है। दोनों रिंग में आमने सामने होते हैं और फाइट शुरू होती है, और नागराज सोचता है कि इस पर किसी भी एक्स्ट्रा पावर का यूज नहीं करेगा, वो इसे नॉर्मली ही हराएगा। मुझे इसकी पकड़ से वाकई बचकर रहना होगा। आयरन फिंगर, तेरे लिए नागराज की एक अंगुली ही काफ़ी है स्नेकी। नागराज इसे लगभग हरा देता है इस फाइटर को, और इधर जो इसका एक मुख्य जो रेसलर होता है, जो इसका मुख्य जो प्लेयर होता है, वो बेहोश पड़ा रहता है रूम में। और इधर पहली बार दिखाता है G18। जी हाँ, तौसी कॉमिक्स का सबसे पावरफुल विलेंस में से एक, जो बाद में सुधर जाता है। तौसी को काफ़ी हद तक दूसरे रोल में दिखाया गया, अभी जितने भी हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़े हैं दरवेश में, बट यहाँ देख करके काफ़ी अच्छा लगा तौसी को। मुझे एक और प्यादा खड़ा करना होगा, साथ ही साथ इसकी शक्तियाँ भी आखनी है। नागराज को पकड़ने का सपना और बेहोशी की नींद पूरा करना इसने की। नागराज, नागराज, और इस मैच की विनर है नागराज। छलनी कर दो नागराज को और नकली नागराज स्नेकी को, नकली स्नेकी, तर 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 तर, बचाओ, भागो। नागराज नहीं, हरामजादे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी ग्रेस। नागराज के अनिष्ट की आशंका ने जैसे पल भर के लिए उसे विक्षिप्त सा कर दिया था। नागराज लेकर अगले ही पल उन आँखों में आंसुओं के साथ साथ आश्चर्य भी तैर रहा था। नागराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे ग्रेस की आंखों में उतरकर उसके दिल में जा बसा। सैकड़ों गोलियां लगने पर भी जिस्म से खून की एक बूंद भी ना गिरी थी। ओ नागराज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम वाकई जादूगर हो। फिक्र मत करो ग्रेस, गोलियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम लोग अपने अपने हथियार चला चुके, अब मेरी बारी। इसकी कलाइयों से सांप निकल रहा है, क्या अजूबा है यह, गोलियाँ खाकर भी नहीं मरता, कलाइयों से सांप छोड़ता है। बहुत शानदार और जानदार चीज़ है तू, महानगर के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है तू, ताऊ तू। मेरे लिए काम कर, तुझे मारामार कर दूंगा। नागराज बिकाऊ नहीं है ताऊ तू, नागराज ने बड़े बड़े तानाशाहों, बादशाहों और तानाशाहों के तख्ते पलटे हैं। इस फेरिस्त में तेरा भी नाम जुड़ गया, अवैध कैसिनो स्टाइल हथियार, फ्री स्टाइल खुली फाइट्स, धाड़।
महानगर की इस अपराध की इस गटर में घिस भी जाता तो सबसे बड़ा कीड़ा है ताऊ तू। तेरा सफाया आज नागराज के हाथ होगा। नागराज का ध्यान कुछ पलों के लिए ताऊ तू से बेवजह भटका था। यह असावधानी उसे काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। तू बहुत खतरनाक फाइटर है लड़के, इस बार तुझे तेरे पेटर चलाने का कोई मौका नहीं देगा। पकड़ ध्वज की पकड़ से दुश्मन उसकी इच्छा के बिना आज़ाद नहीं हो सकता नागराज। और मेरी इच्छा है कि मैं तेरी पकड़ से तेरी आत्मा तेरे शरीर से आज़ाद हो। ओह, एक और इच्छाधारी नाग, यह स्नेकी का रूप धरे हुए था पर क्यों? कुछ समय पहले तौसीद्वीप हफ, मुझे अपनी अप्सरा की तलाश करनी होगी। अप्सरा का अपहरण करने वाले को जीवित ना छोड़ेगा तौसी। यह कार्य आसान ना होगा मित्र। जुगनू, तुम यहाँ? क्या तुमने मेरी अप्सरा का उसका अपहरण करने वाले को देखा? नहीं तौसी, पर मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी जिसका अप्सरा के अपहरण से कोई ना कोई संबंध अवश्य है। जब मैं उड़ते हुए यहाँ पहुँचा तो पेड़ों के ऊपर हवा में एक विचित्र सी मशीन तैर रही थी जिसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे लोग आपस में बात कर रहे हों। ड्रोन टेस्ट साइट पर वापस बुला लो। अगर आशिक का इश्क सच्चा है तो तुझे अपहरित अप्सरा को ढूंढते हुए खुद हम तक पहुँच जाएगा। अरे, यह इतनी छोटी सी मशीन में कौन घुसा बैठा है और यह अप्सरा के अपहरण की बात क्यों कर रहा है? मैंने उस इड़न मशीन को खोलने की बहुत कोशिश की। ओह, इसमें तो तीव्र विद्युत का प्रभाव है। कोई ड्रोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वह मशीन द्रुत गति से उड़ते हुए वहाँ से भागने लगी। मैं भी उस उड़न मशीन के पीछे लपका। और दुष्ट मशीन भाग रही है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। यह शैतान जो भी है तौसी और अप्सरा का अनिष्ट करना चाहते हैं। परंतु वह मशीन बिजली की गति से उड़ते हुए भाग निकली। मैं उसका पीछा न कर सका, पर मुझे इतना पता है कि यह उड़न मशीन मानवों की बड़ी बस्ती महानगर से आई थी। यानी अप्सरा का अपहरण करने वाले शैतान महानगर नामक बस्ती से आए थे। अवश्य ही वे मेरी अप्सरा को वहीं ले गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं तौसी, और भी कुछ है। और क्या? मुझे पीछा आता देख उस उड़न मशीन ने तेज बिजली चौंकी जो बादलों को चीरती हुई सीधे ऊपर आसमान में चली गई। उसके बाद फौरन काले भीषण बादल घिरा और यह जोरदार वर्षा होने लगी। यह शैतान मौसम को वश में कर सकते हैं। तौसी के मुखमंडल से उसकी व्यग्रता साफ प्रदर्शित हो रही थी। नीतिवान तौसी यह भली भांति समझ चुका था। इस बार जिस शत्रु से उसका मुकाबला है वैसा शत्रु ना अब तक उससे टकराया था और ना ही शायद कभी टकराएगा। मुझे महानगर जाना होगा मित्र, परंतु उससे पहले मुझे अपने सभी मित्रों को एकत्र कर उन्हें कुछ निर्देश देने हैं। अपने मित्रों को आवश्यक निर्देश देकर तौसी बढ़ चला महानगर की ओर। रोशनी से जगमगाती मानवों की विशाल बस्ती महानगर, लेकिन जैसे चिराग तले अंधेरा होता है ठीक वैसे ही इस शहर के खूबसूरत आंखों को चकाचौंक कर देने वाले जगमगाहट के पीछे पाप का ऐसा घनौना अंधकार गिजबिजा रहा है जिसे देखकर ही घिन आती है। पाप के अंधकार और अधर्म की सड़ाद बनी सीलन में यहाँ पनपले वाले इंसान नाली के कीड़ों के समान गिजबिजाते हैं। उफ, किस नरक में आप फंसी है मेरी अप्सरा, न जाने कहाँ ढूंढे मैं उसे, आखिर कैसे तलाश करी, बचाओ। हाँ, भागती कहाँ है बुलबुल? तुझे क्या लगा हमारी नाक के नीचे से तू माल निकाल ले जाएगी? जितना पाउडर तू लेके भागी है उसका दोगुना हिसाब वसूलेंगे तुझसे। तुझसे कीमत वसूल कर तुझसे तेरी क्लब ले जाएंगे जहाँ तेरी बोली लगेगी। इंसानों की इस आधुनिक मंडी में इंसानियत मर चुकी है। मेरा जी कर रहा है कि पाप की इस पूरी लंका को जलाकर खाक कर दो, लेकिन उससे पहले मुझे उस रावण तक पहुँचना है जो मेरी सीता को हर ले गया है। और उस रावण तक पहुंचने का रास्ता ऐसे ही इंसानियत की सड़ती हुई लाश पर गिजबिजाते अपराध के रीढ़ विहीन पिस्सुओं को कुचल कर पार होगा। छोड़ लड़की को, कसाई जब मुर्गी हलाल करता है तो भला कोई बचाने आता है? ओ भाई, ये ना कोई सिनेमा है ना तू हीरो। अब अकेली अबला नारी को बचाने के लिए तू गुंडों की फौज से अकेले निपट लेगा?
जानता हूँ मैं इस कहानी का हीरो नहीं विलेन हूँ, जो अपने इंतकाम की आग में इंसानियत को जलाकर खाक करने आया है। लेकिन विलन को भी उसूल और आदर्श होते हैं। एक महानायक की तरह महाखलनायक भी वीर और पराक्रमी होता है, क्योंकि नायक हो या खलनायक दोनों ही एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं, और जो उस गर्भ उस जननी के सम्मान पर हाथ उठा ले उसे उसकी गणना पिशुओं के से भी निम्न है। भच्चक और कीड़ों की जान लेना पाप की श्रेणी में नहीं आता। और कीड़ों की जान लेना पाप की श्रेणी में नहीं आता। कच्छ ठहरो, मेरी ज़िंदगी और असमत बचाने वाले का नाम तो बताते जाओ। इस शहर रूपी अंधेरे जंगल में तो या तो भूखे भेड़िए बरसते हैं या सिर्फ बोटियाँ की भूख और खून की प्यास है, या फिर वे निरीह जो उन भेड़ियों का शिकार बनते हैं। जंगल में जब अनुशासन न हो तो झुंड में शिकार करने वाले कुत्ते ऐसे ही उत्पात मचाते हैं, इसलिए जंगल में शेर का होना अनिवार्य है। अब तौसी आ गया है, जंगल के जानवरों को अनुशासन का पाठ अच्छे से पढ़ा कर जाएगा। ये क्या कर रही हो आज? तुम मेरे लिए वैसे ही आए हो भैया जैसे कभी द्रौपदी की गुहार पर कृष्ण आए थे। यह बहन सदा तुम्हारी ऋणी रहेगी। मैं अपने जीवन की एकमात्र रिश्ते को बचाने आया था, तकदीर ने एक नया रिश्ता जोड़ दिया। भाई का कभी बहन पर ऋण नहीं होता। पगली, यह गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम शौर्य है, मैं एक इंटर्न क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, और आजकल महानगर में तूफान मचाए हुए नए ड्रग्स वेनेमोरस पर स्टोरी कर रही हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पक्के सबूत मिले हैं कि वेनेमोरस वास्तव में संसार के सबसे जहरीले सांपों के जहर और उसकी राख के पाउडर से बनाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कॉमिक्स लग रही है, और मैंने पहले ही आपको बताया था जाने कहाँ ढूंढू उसे, आखिर में कैसे तलाश करे। उफ, न जाने किस नरक में आप फंसी है मेरी अप्सरा। चढ़ोगे भागती कहाँ है बुलबुल? मैं एक इंटर्न क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, आजकल महानगर में तूफान मचाए हुए नए ड्रग्स वेनेमोरस पर स्टोरी कर रही हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पक्के सबूत मिले हैं कि वेनेमोरस वास्तव में संसार के सबसे जहरीली सांपों के जहर और उनकी राख के पाउडर से बनाया जाता है। ये ड्रग्स किसी भी आम ड्रग्स के मुकाबले कई हज़ार तेज गुना नशा और उन्माद देता है। इसकी चुटकी भर डोज लेने के बाद भी घंटों इसके नशे में उन्माद में रहता है।
यही कारण है कि महानगर का युवा वर्ग आज पूरी तरीके से इसके चपेट में है। लेकिन अधिक मात्रा में और लंबे समय तक इसका सेवन करने से कोढ़ होकर शरीर गलने लगता है। सांपों के विष से बनाया हुआ ड्रग्स, क्या तुम मुझे वह पाउडर दिखा सकती हो? क्यों नहीं, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। यह किसी साधारण सर्प का नहीं बल्कि इच्छाधारी सर्प की भस्म है। तो क्या इसलिए अपहृत किया गया था मेरी अप्सरा को? यह पाउडर तुम्हें कहाँ से मिला? महानगर के सबसे बदनाम नाइट क्लब स्नूकर बॉल से। पूरे महानगर में वेनमोरस वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं वहाँ क्लाइंट बनकर गई थी और चुपके से पाउडर सैंपल लेकर खिसक रही थी जब इन गुंडों की नज़र मुझ पर पड़ गई। शायद किस्मत ने सौर्य को जरिया बनाकर भेजा था तुझे और सौर्य बनाने पहुंचाने के लिए तुझे और सौर्य को तक पहुंचाने के लिए नीचे जाना। तो असली नृत्य करती लड़कियां नशे में झूमते युवा या जगह किसी नरक से कम नहीं दिखाई देते। क्या मांगता है? तेरा बॉस मांगता है जो तुझे उस जगह का पता बताएगा जहाँ से वेनमोरस की सप्लाई होती है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी अगले आधे मिनट में ही नाइट क्लब खाली हो गया। अब यहाँ सिर्फ शिकारी और शिकार बचे हुए हैं। इस महायुद्ध के आगाज़ पर काफ़ी कुछ दांव पर लगने वाला था। बिल्कुल सारी तैयारियां चौकस है। पता नहीं है तो हमारे ड्रोन पर अटैक कर रहा है। ये लगभग कोऑर्डिनेट तक पहुंच ही गए हैं। तुम लोग तैयार हो? जिस महायुद्ध की तैयारी G18 कर रहा था उसकी अधीरता से प्रतीक्षा और भी कुछ लोगों थी। एक मिनट, यह दूसरा ड्रोन यहाँ कहाँ से आया? पता नहीं है तो हमारे ड्रोन पर अटैक कर रहा है। यह जवाबी हमला करो, नष्ट कर दो इसे। स्पाई ड्रोन्स यानी मेरी थ्योरी सही थी लेकिन यह तो दो अलग अलग ड्रोन से एक दूसरे में लड़ रहे हैं। यानी इस खेल में दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं। कुछ पलों का ध्यान बटना नागराज को महंगा पड़ा। तौसी के सेवकों ने नागराज से पीछा छुड़वाया। आखिर उससे पीछे छुड़वा ही लिया। अकल के अंधे हो क्या? वह जितना खतरनाक है पीछे से तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन उसे अपने पीछे लाना था ना। और उस पर निगरानी करते देख ड्रोन ने आक्रमणकारी ड्रोन भी किया, लेकिन इससे अभी ना रोकते तो वह हमें स्वामी तक पहुंचने से पहले ही रोक देता। उसकी यह साथिन हमारे कब्जे में रहेगी तो स्वामी इसके बदले अप्सरा का पता इससे लगा सकेंगे। समझ गया। शानदार फाइट सिंह। आखिर 20-25 साल में कुछ नागराज में कुछ सुधार मिला है और विश्व तो एकदम मोटा बनाता था वो। तुम यही कार में रुको ग्रेस, इनका लीडर अगर फैक्ट्री के अंदर है तो मैं उससे अकेले ही उसका मुलाकात करना चाहूँगा। नहीं नागराज, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगी। बात समझने की कोशिश करो ग्रेस, इनका लीडर मेरे लिए पूरी तैयारी किए बैठा होगा। अगर हम दोनों एक साथ अंदर गए तो उसके जाल में फंस जाएंगे। यदि मैं आधे घंटे में वापस नहीं आया तो समझना कि मैं मुसीबत में हूँ। ठीक है नागराज।
नागराज जहाँ जा रहा था वहाँ एक भीषण टकराव उसका रास्ता दिख रही थी, और उधर एक घमासान अपने आगाज की प्रतीक्षा में था। समुद्री लुका तूफान बढ़ता ही जा रहा है, हमारे काफ़ी साथी भी उस विलक्षण नाम मानव द्वारा बने गए। बता दे स्वामी का आदेश है कि हम यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। शिकार यहाँ किसी खास मकसद से आया था गोगा, और अगर तोसी का अंदेशा सही है तो खतरा भी टला नहीं है। स्वामी का आदेश है कि हम यहाँ से हिल नहीं सकते, परंतु शिकार तो हाथ से निकल गया, अब यहाँ रुक कर क्या होगा। हमारे काफ़ी साथी भी उस विलक्षण नागमानव किस द्वारा मारे गए। समुद्री तूफान अलग ही बेढंग का बनाया गया है। खतरा तो अभी आक्रमण करना शुरू कर दो। ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज जोरदार वेग से जहाज से टकराई है। उफ, यह सिर्फ सूखे पत्ते की भांति क्यों उड़ रहा है, मुझे नीचे जाकर देखना होगा। ओह हे महादेव, इतना विशाल काय बेल। हे महादेव, इतनी विशाल काय बेल, यह तो धातु की बनी हुई पनडुब्बी है। इसके अंदर हमला दो तरफ से था, और काले मेघों के पीछे छुपे उड़ाकी विमान हमला कर रहे हैं। देख लीजिएगा, और एक युद्ध अवरुद्ध होने को था। युद्ध लड़ना भूल गया है क्या? यह संकेत ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और एक भीषण अवरुद्ध होने वाला था। प्रचंडम प्रष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम आज भानु कोटि प्रकाशम। कालू जिन और शिकांगिंग नेवले का द्वंद्व चरम पर था। नागबाबा की यज्ञ आहुति भी चरम पर थी। प्रचंडम प्रष्टम प्रगल्भम परेशम अखंड अजम भानु कोटि प्रकाशम। जो आहुति लंग ला रही थी,
चलिए दोस्तों, इसके आगे पार्ट में मिलते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है द ट्रैप सुपर कमांडो ध्रुव की।